हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मवारी गुरु। बच्चों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि नीट में ऑल इंडिया रैंक कैसे डिफाइंड होती है बेस्ड ऑन योर स्कोर। मीन्स कैंडिडेट्स मुझसे लगातार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर, मैं जो स्कोर करूँगा उससे मेरी रैंक कैसे पता चलेगी कि मैंने ऑल इंडिया रैंक में लमसम कितनी रैंक हो सकती है उस पर्टिकुलर स्कोर पर। तो इसी के बारे में वीडियो है दोस्तों। और कुछ कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर, लास्ट टाइम मेरे सेम मार्क्स, मीन्स मेरे 570 थे, दो कैंडिडेट्स के और 570 थे, लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ सेम मार्क्स पे, तो उसका क्या कारण है? उसका भी कारण मैं बताऊंगा, क्योंकि नीट में जो मैटर करता है वो ऑल इंडिया रैंक मैटर करती है, ना कि आपका स्कोर। तो आपने स्कोर जो किया वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, उस पर आपका सिलेक्शन नहीं होता। जो सिलेक्शन होता है वो नीट ऑल इंडिया रैंक पे होता है। कैसे होता है ये भी बात करेंगे, और पूरा कंपटीशन लेयर की बात करूंगा कि कहां तक, मींस अगर आप देखेंगे तो 15 से 16 लाख कैंडिडेट्स हर साल नीट में अपीयर होते हैं, जिसमें से 8 लाख के करीब क्वालिफाई होते हैं, जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को फॉलो क्वालिफाई कर पाते हैं। तो 8 लाख ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, 8 लाख कैंडिडेट्स टोटल ऐसे नहीं होते जो कॉम्पिटिशन में रहते हैं। कहाँ तक कॉम्पिटिशन रहता है, क्योंकि लास्ट में अगर आप देखेंगे तो जो मार्क्स और रैंक के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। मींस अगर फाइव मार्क्स के बीच का डिफरेंस रहेगा तो उसके अंदर 50,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स आ जाएंगे। तो इसके बारे में बात करेंगे पूरे डिटेल में। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे नीट की एल्गोरिथम काम करती है। और साथ ही साथ फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक करें वीडियो को, जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स वीडियो को देख सकें। दोस्तों, सबसे पहले तो ये मैं बताने वाला हूँ कि नीट की एल्गोरिथम होती क्या है। इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं। जिसने बायोलॉजी में ज़्यादा स्कोर किया, जिसने कम नेगेटिव मार्किंग जिसकी हुई, जिसने सेकंड क्राइटेरिया हो जाता है, जिसने केमिस्ट्री में ज़्यादा स्कोर किया, फिर थर्ड क्राइटेरिया होता है, जिसने फिजिक्स में ज़्यादा स्कोर किया, मतलब इस तरह से बहुत सारे रूल्स होते हैं। उस रूल्स को जो टॉप पे होता है वो उसको उस प्रायोरिटी में पहले कर दे। एज क्राइटेरिया भी होता है, जो एजेड होते हैं उनको रैंक में टॉप पे कर दिया जाता है, इस तरह से होता है दोस्तों। अब चलिए बात कर लेते हैं कि ऑल इंडिया रैंक कैसे डिफाइंड होती है, किस पर्टिकुलर स्कोर पे कितनी रैंक हो सकती है। बेसिकली जो ऑल इंडिया रैंक वन होती है दोस्तों, वो लगभग 700 से ऊपर मार्क्स पे होती है, और ऑल इंडिया रैंक 10 के बीच में 4 या 5 मार्क्स का डिफरेंस हो जाता है। मीन 695 से लेके 700 तक आपका रैंक 1 से रैंक 10 आ जाता है। अगर रैंक 100 की मैं बात करूँ तो रैंक 100 680 से ऊपर के करीब स्कोर हो जाता है, रैंक 500 660 के करीब, रैंक 1650 के करीब, रैंक 1500 642 के करीब, रैंक 2636 के करीब, रैंक 3627 के करीब। अगर आप देख रहे होंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको मार्क्स का डिफरेंस काफ़ी दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। मीन्स सबके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो इसलिए आपने देखा होगा मार्क्स और रैंक के बीच में गैप अच्छा खासा है। आगे मैं बताऊंगा कि आप देखेंगे कि सेम ही मार्क्स से बहुत सारे कैंडिडेट्स आ जा रहे हैं। 3000 जिनकी ऑल इंडिया रैंक है उनका स्कोर 627 के अप्रॉक्स हो सकता है, जिनकी 5000 ऑल इंडिया रैंक है वो 614 करीब, जो 8000 रैंक है मींस उनके 600 से ऊपर मार्क्स हो सकते हैं, या फिर 10000 तक जा सकता है ये आंकड़ा इस बार दोस्तों, ये मान के चलिए क्योंकि कंपटीशन इस बार थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो 10000 कैंडिडेट्स ऐसे हो सकते हैं जो 600 से ऊपर मार्क्स कर सकते हैं इस बार नीट 2020 में। ध्यान देने वाली बात है, मतलब इसको ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा है और आपको 600 प्लस कम से कम टारगेट आपको रखना पड़ेगा अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए, बाकी इंस्टीट्यूट तो आपको मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ 15000 जो ऑल इंडिया रैंक होती है उसमें 575 से ऊपर मार्क्स होते हैं, 30000 ऑल इंडिया रैंक पे 535 से ऊपर मार्क्स, 50000 पे 500 से ऊपर मार्क्स, 50 या 60000 ऑल इंडिया रैंक पे 500 मार्क्स हो जाते हैं। मीन्स ये समझ लीजिए कि यहाँ तक आप जनरल वालों का कंपटीशन लगभग ख़त्म हो जाता है। मींस अगर आपके 60000 ऑल इंडिया रैंक है तो गिरे हुए स्टेट में आपको सीटें मिल सकती हैं सरकारी, बाकी
यहाँ से आपका जनरल वालों का कंपटीशन लगभग ख़त्म हो जाता है 60,000 ऑल इंडिया रैंक तक। उसके बाद बात करो 1 लाख तो 430 के करीब स्कोर हो सकता है, 1,50,000 300 के करीब स्कोर हो सकता है, 2 लाख 340 के करीब हो सकता है, सॉरी 1,50,000 380 के करीब, 2 लाख 340 के करीब, 2,50,000 305 के करीब, 3 लाख 275 के करीब। जैसे जैसे देख रहे होंगे आपकी 50,000 का लगभग गैप है, मतलब दो के बीच में 50,000 स्टूडेंट आ रहे हैं, लेकिन मार्क्स का डिफरेंस देख रहे होंगे आप बहुत कम होता चला जा रहा है। मीन्स 20 से 25 मार्क्स के डिफरेंस में 50,000 कैंडिडेट्स आ रहे हैं, मीन्स सेम मार्क्स पे हज़ारों कैंडिडेट्स, मीन्स सेम मार्क्स को स्कोर करने वाले हज़ारों कैंडिडेट्स हो जाते हैं। लास्ट में जैसे आप नीचे आते हैं, जैसे 4 लाख अगर जिसने स्कोर किया उसने लगभग 227 स्कोर किया, 4.5 लाख 205 स्कोर किया, 5 लाख 188 के करीब स्कोर किया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 205 और 188 के बीच में 17 मार्क्स का डिफरेंस है और 50,000 कैंडिडेट्स आ जा रहे हैं। अब बताइए यहाँ पे पूरा कंपटीशन आपका एकदम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेम स्कोर करने वाले बहुत सारे कैंडिडेट्स हो जाते हैं, और ख़ासकर जनरल वालों के लिए तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है सिवाय प्राइवेट के, वो भी कुछ स्टेट को छोड़ के। 5,50,000 6,158। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो 50,000 का बीच में रैंक का गैप होगा, 50,000 कैंडिडेट्स गैप में आएंगे, लेकिन जो स्कोर रहता है, स्कोर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि सेम ही स्कोर पे मींस कोई भी कंपटीशन नहीं रहेगा, सेम स्कोर कैंडिडेट्स करते चले जा रहे हैं और वो यूज़लेस है, वो किसी काम का नहीं रह जाता है। 6 लाख जो स्कोर करते हैं 158, 6.5 लाख 146, और जो लोग 7 लाख स्कोर करते हैं 134 के करीब, 7.5 लाख 124 के करीब, और 8 लाख 115 के करीब। अब यहाँ पे देख रहे हैं 8 लाख और 7.5 लाख के बीच में 50,000 कैंडिडेट्स आ रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो 9 मार्क्स का है केवल। बताइए 9 मार्क्स के डिफरेंस में 50,000 कैंडिडेट्स आ रहे हैं, मीन्स सेम स्कोर करने वाले कितने सारे कैंडिडेट्स होंगे। इसी तरह से 8.5 लाख 107 के करीब स्कोर होगा। अगर 107 के और 115 के बीच में देखें तो 8 मार्क्स का डिफरेंस है, लेकिन 50,000 कैंडिडेट्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी कंपटीशन एकदम बिल्कुल जीरो हो जाता है। जो कंपटीशन होता है वो 60,000 ऑल इंडिया रैंक तक होता है दोस्तों, जनरल वालों के लिए। बाकी SC ST और OBC के लिए इसके बाद भी राहें होती हैं, मीन्स SC ST वालों का लगभग 4.5 लाख रैंक तक हो सकता है, और इसी तरह से ST कैंडिडेट्स के लिए भी 5 लाख या 5 लाख से ऊपर तक हो सकता है, डिपेंड अपॉन स्टेट, हर स्टेट का नहीं है। और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 8 लाख तक हो सकता है, 8 लाख ऑल इंडिया रैंक तक या 8.5 लाख ऑल इंडिया रैंक तक हो सकता है। ये कॉम्पिटिशन तो बढ़ता जाएगा, लेकिन जनरल वालों का 60,000 के बाद लगभग ख़त्म हो जाता है आपका, मीन्स 60,000 में जो टॉप 60,000 कैंडिडेट्स हैं वही गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें पाते हैं, बाकी कंपटीशन ख़त्म हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेजेस का। बाकी जो कैंडिडेट्स उसके नीचे स्कोर करते हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं या फिर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट MBBS का ज्वाइन कर लेते हैं या फिर BDS कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं गवर्नमेंट का। तो दोस्तों ये बताने का मेरा यही कहने का मतलब था कि कॉम्पिटिशन धीरे धीरे कैसे घटता है, सेम स्कोर करने वाले बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, वहाँ पे बिल्कुल कंपटीशन आपका जीरो हो जाता है। ये रही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए जो मुझसे ऑल इंडिया रैंक और स्कोर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था दोस्तों, इससे आपको ज़रूर समझ आया होगा कि कैसे कहाँ कितना कॉम्पिटिशन आपको करना है, मीन्स कितने कॉम्पिटिशन के लेवल के अंदर आप आते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, डू लाइक सेंड सब्सक्राइब टू माई ग्रुप, थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।